हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम NCERT क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का 1.6 पुरानी बुक और 1.5 नई बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको बहुत आनंद आएगा और समझ में भी आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/2। देखिए, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। फर्स्ट है 64 टू द पावर 1/2, तो ये एक्सपोनेंशियल्स रूल लगेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे, तो 64 के फैक्टर हम कर सकते हैं। देखिए, 2 2 2 6 टाइम्स हो सकते हैं। अगर हम 4 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 3 हो सकते हैं, और तीसरा हो सकता है 8 × 8 माने 8 स्क्वायर। तो 3 में से कोई, इसमें हम फर्स्ट और थर्ड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्यों? या 1/2 है, ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, हम सेकंड यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ देख के चलते हैं, एक ही क्वेश्चन एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो हमको यहाँ पता लग गया कि 8 की पावर 2 लिख सकते हैं 64, 8 × 8 = 64 होता है, और होर पावर है 1/2। पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 की पावर 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, 8 आंसर आ गया। तो रूल क्या लगा यहाँ पर, देखिए, a^m (n) होल पावर में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल लगा है। सेकंड देखिए, अब ये फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट। सेकेंड, 32 की पावर 1/5, हम 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 5 टाइम्स आ जाएंगे। इस तरीके देखिए, करके दिखा रहा हूँ मैं, 2 से डिवाइड करें 16, 8, 4, 2 2 2 5 टाइम्स हैं, इसे देख सकते हैं 2 की पावर 5, होल पावर 1/5 है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 5 5 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 1 मीन्स 2 आ गया। थर्ड देखिए, 1/25 to the power 1/3, या 1/25 फैक्टर करेंगे तो 5 क्यूब आएगा, होल पावर 1/3 पहले से ही के बने, तो पावर्स में मल्टीप्लाई भी फर्स्ट रूल लगा, सभी जगह वही लग रहा है, कैंसिल हो गए, तो ये 5 आंसर आ गया। तो ये इसका वैल्यू फाइंड हो गई, यही हमसे पूछा था। देखिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स से 3 हो गए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, फिर वही फाइंड, फर्स्ट है 9 to the power 3/2, 9 होल पावर 3/2, अब 9 के फैक्टर करेंगे तो जाएगा 3 स्क्वायर। दोबारा से वही पावर से मल्टीप्लाई, 2 × 3/2 कैंसिल हो गए, तो 3 की पावर 3 आया, मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, तो ये 27 आंसर आ गया, 9 की पावर 3/2, ये इसका आंसर आ गया 27, फर्स्ट पार्ट।
इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, 32 की पावर 2/5, फिर 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 5 टाइम्स आएगा। अभी हमने करके देखे थे पिछले क्वेश्चन में, होल पावर 2/5। अब पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 2/5, कैंसिल हो गया 5 5, तो 2 की पावर 2, ये हो गया 2 × 2, ये 4 आंसर आ गया। और फॉर्मूला यहाँ वही लग रहा है होल पावर वाला, पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड पार्ट, 16 × 3/4, 16 होल पावर 3/4, तो 16 के फैक्टर करेंगे, 2 4 × 2 होगा और होल पावर है 3/4, फिर पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पावर में 4 × 3/4, 4 4 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2, 8 आंसर आ गया। तो 16 की पावर 3/4, इसका आंसर 8 आ गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट 1/25 − 1/3। देखिए नेगेटिव पावर है तो हम इसको होल पावर 1/1 में लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं 1/1/25 की पावर 1/3, पॉजिटिव हो गई। यहाँ फॉर्मूला लगा अपना, नेगेटिव पावर है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, पॉजिटिव पावर हो जाती है। अब वही 1/1 में सॉल्व करते जाएंगे, 1/25 हो जाएगा 5 की पावर 3 होल पावर 1/3, 1/5 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल हो गए, 1/5 आंसर आ गया। तो 1/25 − 1/3 का आंसर आया 1/5। यहाँ पे 1/25 के फैक्टर्स किए हैं, 5 × 5 × 5 मीन्स 5 की पावर 3, ये आंसर हुआ है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफाई देखिए, नंबर फर्स्ट, टू टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 1/5। अभी बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, देखिए तो 2 बेस को एक बार लिखा जाएगा, 2/3 + 1/5 एलसीएम लिया जाएगा, 2 की पावर 3/5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 5 = 5 2 = 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 1 = 3, तो 2 की पावर हो गया 13/15। यह फॉर्मूला लग गया देखिए, a² × a^n = बेस एक बार लिखेगा पावर ऐड हो जाएंगे, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये अपना, सेकंड पार्ट देखिए, 1/1
थ्री की पावर थ्री होल पावर सेवन। यहाँ ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो वन की पावर भी सेवन हो जाएगा और थ्री की पावर थ्री है तो पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री इंटू सेवन, वन अपॉन थ्री की पावर सेवन, सेवन थ्री है 21। यह आंसर आ गया। बड़ी पावर है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसमें होगा ए की पावर एम होल पावर एन, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, होल पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, एलेवन की पावर वन बाई टू अपॉन एलेवन की पावर वन अपॉन फोर, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, बीस एक बार लिखेगा, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, एलेवन लिखा एलसीएम फोर आया तो टू माइनस फोर, टू माइनस वन, तो एलेवन की पावर आ गया वन अपॉन फोर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, देखिए डिवाइड में डिवाइड साइन ऐसे लगा दो या डिवाइड में लिख दो, एक ही बात है, एम माइनस एन ये होता है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, सेवन की पावर वन अपॉन टू मल्टीप्लाई सेवन की पावर वन अपॉन सॉरी एट की पावर वन अपॉन टू। यहाँ पावर सेम है तो पावर एक बार लग जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56 होल पावर वन अपॉन टू हो गया। इसी को हम रूट लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी होल पावर एम, ये मल्टीप्लाई है कैसे भी लगा दीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया चैप्टर फर्स्ट, बहुत अच्छा चैप्टर था। देखिए।